21वीं सदी में बेहद उन्नत तकनीकी के इस दौर में भी सिरमौर के दूरदराज क्षेत्रों से लोग 17वीं शताब्दी की तकनीकी के साथ जीने को मजबूर हैं। जिले के दूरदराज क्षेत्रों में आज भी लोग 17वीं शताब्दी की तकनीकी से बने रज्जू मार्गों से उफनती नदियां पार करते हैं। विकास के लिहाज से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की विडम्बना देखिए। समुद्र पर सेतु बांधने की तकनीकी के इस दौर में भी लोग खतरनाक रज्जू मार्गों से नदियां पार करने को मजबूर हैं। सरकारों को ना इनकी मजबूरी नजर आती है, ना लोगों के जीवन पर मंडराता खतरा। स्कूल के बच्चे, बीमार बुजुर्ग और किसानों की फसलें, ऐसे ही जर्जर रज्जू मार्ग झूलों पर आश्रित है। पुल या रज्जू पुल बनाना तो दूर की बात, सरकार इन रज्जू मार्गों की देखरेख तक की जहमत नहीं उठाती। बताते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में नदियां पार करने के लिए इस तरह के रज्जू मार्ग बनाए जाते थे। उस तकनीकी से बने रज्जू मार्ग आज तक लोगों की मजबूरी बन गए हैं। हम माचू कर रहे हैं, हमारा पास है कुंदा, आंबरा, पंसा, खतार, शीली, और यहाँ पर हमारे टपने के लिए बड़ी मुसीबत है। क्यों कि यहाँ पुल तो है नहीं, लिख करके हमने सबको दिया, लेकिन किसी ने हमारी एक ने भी हमारी सुनाई नहीं दी। इसी जोले से बच्चे टपते हैं, हम टपते हैं, हाथों के बहुत बुरी हाल होते हैं। अदरक हैं, सूट हैं, मिर्च हैं, अच्छा टमाटर हैं, इसी से करो, लेकिन हमारी सुनाई गवर्नमेंट किसी ने नहीं। वो कहते हैं सुखराम चौधरी, बलदेव तोमर, लेकिन कुछ नहीं। और हमको ना फूल दिया, डीसी तक गए तो डीसी ने कहा था कि हम कर देंगे, जूदा पुल देने कुछ नहीं किया। ऐसे हमें बहुत दिक्कत आ रही है टपने की, यहाँ हमारे जो किसान भाई है खेती बाड़ी के, बहुत दिक्कत आ रही है फसल पहुँचाने में। विकास नगर हमारी मार्केट पड़ती है और यहाँ के लिए बहुत तकलीफ होती है बरसात में। और हम इस किस तरह से फसलें लाते हैं आप? बस पीठ पे ढो के लाते हैं सर, पीठ पे ढो के खचरों पे। और यहाँ पे हमें नदी क्रॉस करने के लिए झूला है और यहाँ से फिर सड़क तक हमें पीठ पे ले जाना पड़ता है। और हमें बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चों के लिए भी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे स्कूल के लिए आने जाने के लिए इसी परडे में आना पड़ता है। ये इधर जी हमारे को रात को 12 बजे भी आना पड़ता है, यहाँ पे सुबह आना पड़ता है 6 से 7 बजे तक शाम के, और रात के 12 बजे फिर तब आना पड़ता है। अगर इमरजेंसी ऐसा कोई वो केस आ जाए तो मतलब हमारे को आना पड़ता है, ज़रूर आना पड़ता है। यहाँ पे कोई साथ के लिए भी है तो नहीं, हमारे को तरात ले के आना पड़ता है, तब आता हूँ मैं नदी। क्या मांग रखी आप? तो यहाँ कुछ नहीं देते सरकार जी, हमारे को पुल की दिक्कत है और झूला पुल भी है, पुल हमारे को बहुत दूर पड़ता है, हमारे को यहाँ आने जाने की सुविधा कुछ नहीं है। हमें इसी झूले से स्कूल आना जाना पड़ता है और हमारी इसी फसल ढोते हैं और स्कूल भी हम इसी झूले से जाते हैं, और हमारी मजबूरी झूले से जाने का डर भी लगता है। झूले मैं रोज स्कूल जाता हूँ और इसी झूले से आता हूँ, इस झूले में आते समय हमें डर भी लगता है पर स्कूल जाने की मजबूरी है। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।